पहली बार ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट का सपना महज 100 ग्राम से टूट गया। ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान थी, लेकिन फाइनल मुकाबले से पहले जब उनका वजन मापा गया तो तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा निकला, उसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। बहरहाल विनेश फोगाट ने डिस्क्वालीफाई किए जाने के खिलाफ अपील की है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए, इस पर फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन इन सबके बीच सियासत भी गर्म है। विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की मांग होने लगी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने विनेश को राज्यसभा भेजने की मांग की है। भूपिंदर हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली है, अगर कांग्रेस के पास बहुमत होता तो विनेश को भेजा जाता। दरअसल हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा जाने के बाद राज्यसभा सीट खाली हुई। उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक था। चुनाव के लिए 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। ऐसे में विनेश फोगाट के साथ उम्र को लेकर पेंच फंसेगा। दरअसल कोई व्यक्ति राज्यसभा सदस्य तभी बन सकता है जब उसकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा हो। विनेश फोगाट अभी 29 साल की है, वो 25 अगस्त को 30 साल की हो जाएंगी, यानी इस बार तो वो चाहकर भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल नहीं कर सकती। यानी अगर कोई पार्टी उन्हें हरियाणा से राज्यसभा भेजना भी चाहे तो विनेश महज 4 दिन से चूक जाएंगी। चलिए अब जानते हैं कि क्या राष्ट्रपति सदस्य को नामित कर सकती हैं। तो राज्यसभा के 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकती हैं। संविधान का अनुच्छेद 80(3) उन्हें यह अधिकार देता है। जिन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उनके पास साहित्य, विज्ञान, कला जैसे क्षेत्रों का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करती हैं उनमें से 4 का कार्यकाल 13 जुलाई को खत्म हुआ। इनमें राम शकल, राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी हैं। बाकी 8 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने में वक्त है, यानी अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 सदस्यों को मनोनीत कर सकती हैं। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर किसी को मनोनीत कर सकती है और ऐसे में विनेश फोगाट को मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो जिस राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो वहीं का रहने वाला हो। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, इसके लिए 1/3 सदस्यों हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, इसलिए हर 2 साल में चुनाव होते हैं। वहीं राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत सदस्य 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें स्वतंत्र उम्मीदवार माना जाता है।